हेलो एवरीवन, आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत पे भरोसा रखिए, आज न कल मुकाम जरूर मिलेगी। मंजिल दूर थोड़ी है, पहुंच ही जाएंगे, अगर मेहनत करते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो आइए, आज का आपका वीडियो क्या था, आज का आपका है जो आप लोग को हम नर्वस सिस्टम शुरू किए थे उसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके पहले प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर आप ये पार्ट 2 समझिए। ऐसे दोनों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप समझिए कि अलग है ये ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में किसके बारे में, ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, दिमाग के बारे में। और आप यकीन मानिए, आज आपको हम अनसुनी बातें भी बताएंगे जो आप ब्रेन के बारे में आज तक नहीं सुने होइएगा। जी बस आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, देखिए। सबसे पहला पॉइंट कि ब्रेन का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन हम किस में करते हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं न्यूरोलॉजी में। कहाँ करते हैं, न्यूरोलॉजी में, और इसके विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। आप देखते हुए अगर किसी को न्यूरोन ये दिमाग में गड़बड़ी होता है तो हम लोग किस डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास। क्यों, क्योंकि वो क्या है, न्यूरोन न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं। दूसरा पॉइंट, इस ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है, तो इसकी लोकेशन जो होती है ना, ये होती है आपको क्या, बिलो क्रेनियम, यानी खोपड़ी के नीचे। मतलब दिमाग जो है ये खोपड़ी के नीचे है, दिमाग यानी खोपड़ी के अंदर है दिमाग। और आपको पता है खोपड़ी 8 हड्डी से मिलके बनी है। अब देखिए अगला, ब्रेन मेम्ब्रेन, कि ब्रेन की झिल्ली का क्या नाम है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दिमाग का झिल्ली या ब्रेन की झिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं, क्या बोलोगे आप लोग, मेलेंजिस झिल्ली। क्या बोलोगे आप लोग, मेलेंजिस झिल्ली। और मेलेंजिस झिल्ली के बारे में एक दो पॉइंट और आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, कि मेलेंजिस झिल्ली जो है यह कितने लेयर से मिलकर बनी होती है। तो मेलेंजिस झिल्ली जो है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। अभी देखिए तीनों लेयर के बारे में। पहला, आउटर लेयर जो है इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरा मेटर कहते हैं। आउटर बाहरी लेयर को हम लोग ड्यूरा मेटर कहते हैं। फिर जो है बीच वाला, इसे हम क्या कहते हैं, आर्कोनोइड। आर्कोनोइड क्यों बोला, क्योंकि ये मकड़ी के जाल जैसा होता है, तो इसे हम क्या बोले, आर्कोनोइड। और सबसे अंदर वाले को हम लोग पिया मेटर कहते हैं। तो ये आप अभी क्या समझे, मेलेंजिस के 3 लेयर के बारे में। अब आइए समझिए, अब मेलेंजिस और खोपड़ी। सबसे पहले आपको हम क्या बताए थे, खोपड़ी के नीचे आपका दिमाग है, मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर ये दिमाग का है। तो सबसे बाहरी आपका क्या होगा, सबसे बाहरी आपका होगा क्रेनियम, खोपड़ी, ये दिमाग आपका, ये क्या है, दिमाग है, मस्तिष्क है। तो सबसे बाहरी आपका क्या हुआ, बाहरी ये जो काला वाला ये है, काला वाला ये आपका क्या हुआ, क्रेनियम हुआ, खोपड़ी हुआ। इसे हम स्कल भी बोल लेते हैं, स्कल भी कह सकते हैं। अब देखिए क्रेनियम जो है ये 8 हड्डी से मिलके बनी है, 8 बोन। और आपको हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा चुके हैं इस 8 बोन के बारे में, वहाँ पे हम इसका नाम भी आपको बताए थे। अगर आप लोग स्केलेटल सिस्टम नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में स्केलेटल सिस्टम देखिए, आपको उसमें हम पूरा 8 नाम अच्छा से बताए हुए हैं। अब देखिए इस ये जो 8 हड्डी से मिलके बनी है, इसे हम कहते क्या हैं, इसे हम कहते हैं फाइबर जॉइंट। और यही एग्जाम में पूछा जाता है फाइबर जॉइंट के बारे में, क्या कि फाइबर जॉइंट सबसे मजबूत जॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है। अब आइए, ये तो था बाहरी क्रेनियम, अब आइए इसके अंदर, यहाँ है दिमाग, ये आपका क्या है, ये आपका है दिमाग। तो क्या खोपड़ी, खोपड़ी और दिमाग के बीच एक झिल्ली पाई जाती है, ये आपका एक क्या, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेलेंजिस, जिसे हम क्या कहते हैं, मेलेंजिस झिल्ली। इससे हम क्या कहते हैं, मेलेंजिस। यहाँ मेलेंजिस देखिए ना, कहाँ था मेलेंजिस, ये खोपड़ी और ये आपका दिमाग के बीच में जो झिल्ली है पतली सी, यही आपकी मेलेंजिस है। अब देखिए मेलेंजिस झिल्ली अगर क्या होता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फिर किसी भी तरह से ये क्षति हो गया, यानी मेलेंजिस क्या हो गया, क्षति हो गया,
नुकसान हो गया तो एक बीमारी होती है मेलेंजाइटिस नामक बीमारी होती है। आपसे पूछा जाता है मेलेंजाइटिस डिजीज किससे होती है, क्या बोलोगे आप? यह मेलेंजिस झिल्ली के क्षति होने से होती है। और इसी को अगर बदल के पूछे मेलेंजाइटिस डिजीज किसका डिजीज है, तो ब्रेन का डिजीज है, मस्तिष्क का डिजीज है, समझे आप? मेलेंजाइटिस या फिर क्या कोमा, मतलब क्या, अगर किसी इंसान का दिमाग ही नहीं काम करेगा, व्यक्ति क्या हुआ, कोमा में जाएगा। और कोमा को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ, यानी जो व्यक्ति कोमा में गया वो देख रहा है सब कुछ, देख रहा है, समझ रहा है, बट वो क्या करेगा, ना अपना शरीर का मूवमेंट कर पाएगा, ना कुछ एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। अब आइए, तो ये आप समझ लिए क्रेनियम और मेलेंजाइटिस। अब आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं, दिमाग, ये दिमाग का वजन कितना होता है। देखिए दिमाग का वजन जो है वेट एडल्ट मेल में, एडल्ट मेल का वजन होता है 1400 से 1450 ग्राम और एडल्ट फीमेल में होता है 1300 से 1350 ग्राम। नोट, एक बात ख्याल रखिएगा, फीमेल की, लड़कियों की दिमाग की वजन कम होती है, ना कि दिमाग कम होती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि दिमाग कम होती है, नहीं, दिमाग का वजन लड़कियों में या फीमेल में दिमाग का वजन कम है, दिमाग कम नहीं है, दिमाग ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अब आजकल कम थोड़े हैं, लड़कियां लड़कों से कम थोड़े हैं, वो भी अब बराबरी पे है। दिमाग कम नहीं है, दिमाग का वजन कम है, ठीक है ना? तो ऐसा मत बोलना लड़की में दिमाग ही नहीं होती है, नहीं, दिमाग क्या है, ठीक ठाक है, बस दिमाग का वजन कम है। अब देखिए ये क्या आपका है, 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ये जो दिमाग होता है ना वजन, ये क्या ब्रेन का, ये क्या होता है, शरीर के भार का 2% होता है। अब बच्चा में कितना दिमाग होगा, चाइल्ड में, चाइल्ड में होता है 300 से 400 ग्राम, यानी चाइल्ड में दिमाग क्या होता है, 300 से 400 ग्राम, तो ये आप समझे हैं। अब इसके कुछ फैक्ट देखेंगे ब्रेन के, बोले थे ना अनसुनी बातें बताएंगे, अब बताएंगे, हालांकि अब जो बताने वाले आपको फैक्ट हैं इससे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट जानना जरूरी है, यही आपका था इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से, बट वो भी आपको जानना चाहिए। आइए देखते हैं फैक्ट के बारे में, तो देखिए अब हम क्या जानेंगे, कुछ फैक्ट ब्रेन के, मस्तिष्क के फैक्ट के बारे में। सबसे पहला क्या है, सबसे ज़्यादा विकसित दिमाग किसका होता है, हम लोग का होता है, हम लोग मतलब क्या, मानव का होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिमान कौन होता है, मानव होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप मनुष्य में जन्म लिए हैं कुछ ऐसा कर्म कीजिए, क्योंकि आप क्या है, सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, मनुष्य क्या होता है, सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है, और हमें हम लोग का अपना अपना कर्म करना चाहिए। दूसरा क्या है, सेकंड विकसित दिमाग किसका होता है, यानी मानव के बाद दूसरा कौन सा जीव है जिसका दिमाग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वो होता है आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या होता है, मानव के बाद डॉल्फिन ही आता है। तीसरा फैक्ट क्या होता है कि हम लोग अपने दिमाग का 2 से 2.5% मात्र 2 से 2.5% यूज करते हैं, बस इतना ही यूज करते हैं। अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा यूज कर लिया 3% या 3%, क्या कहते हैं, उसका IQ पावर बहुत तेज है, बहुत तेज कहते हैं ना। अब देखिए मरने के बाद भी 7 मिनट तक हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, मतलब क्या, कैसे मरना, मतलब हमारी मृत्यु उस तरह से जिसमें हमारा दिमाग क्या हो, डैमेज नहीं हो, यानी जिसमें हमारा दिमाग डैमेज नहीं होता है, अगर मृत्यु हो गई तो उसके बाद भी, मरने के बाद भी 7 मिनट क्या होता है, हमारा दिमाग एक्टिव ही रहता है। अगला क्या है, बोले थे ना कि आपको हम अनसुनी बातें बताएंगे, ये सभी क्या था, अनसुनी ही बातें तो हैं, ये पता नहीं था हम लोग को इतना कि मरने के बाद भी दिमाग 7 मिनट एक्टिव ही रहेगा। अगला ये देखिए मज़ेदार बात क्या है, एक दिन में 70,000 थॉट आते हैं, यानी एक दिन में हमारा दिमाग के पास 70,000 विचार आते हैं। जी हाँ, 70,000 विचार, वो बात अलग है कि 70,000 विचार में से 90% विचार निगेटिव ही आते हैं, मात्र 10% विचार पॉजिटिव आते हैं। देखिए निगेटिव क्या आता है,
अभी जैसे कोरोना का समय है, क्या था हम लोग के मन में, कोरोना कब ख़त्म होगा, लॉकडाउन कब ख़त्म होगी, क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई करें कि नहीं करें, नौकरी निकलेगी, मोदी जी नौकरी देंगे या नहीं देंगे, मतलब ये सभी आती रहती है दिमाग में बस। और वैसे में आता है 10% क्या पॉजिटिव जी, लॉकडाउन भी खुलेगा, फिर उसी तरह से हम लोग अपने कोचिंग भी जाएंगे, क्लास भी चलेगी, और इस सभी के बाद वैकेंसी भी आएगी, नौकरी भी होगी, सब कुछ होगी। अब इसी में क्या हुआ, जो व्यक्ति ये सोच के बैठ गया वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, वैकेंसी जो आई हुई है उसका तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें हम पढ़ के। तो भैया जान लीजिए, ये सब ख़त्म होने के बाद जो फॉर्म आपका भरा चुका है, जो फॉर्म आप भर चुके हो, एग्ज़ाम को होगा, ये बात डिफिनिट है, निश्चित है, फिक्स है, एग्ज़ाम तो होगा, चाहे एग्ज़ाम आज हो या कल हो, कोरोना के बाद एग्ज़ाम तो होनी है, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, हाँ सीट कम हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, निगेटिव थॉट आएंगे, क्यों, क्योंकि 90% निगेटिव थॉट आते हैं, तो निगेटिव विचार तो आएंगे ही हमारे दिमाग में, बस हमारे जो ये 10% पॉजिटिव हैं इस पे अटल रहना है, और जो बंदा इसी 10% पे विश्वास कर लिया वही आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए कभी मत सोचना है कि वैकेंसी को फॉर्म भर चुके हैं, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, एक साल हुआ ग्रुप डी का, डेढ़ साल एग्ज़ाम नहीं हो रहा, क्या करें पढ़ के, अब छोड़ो नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आप जो जो व्यक्ति लगे हुए हैं उन्हें सफलता मिलेगी। आप समझिए ना, आप दो दोस्त हैं, एक दोस्त छोड़ दिया है क्या पढ़ेंगे, और आप पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम अगर एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो वो क्या करेगा, बाप माय करेगा, ये पढ़ें ये पढ़ें वो पढ़ें, क्या कर, कुछ नहीं कर पाएगा। और जो आप प्रैक्टिस में बने हुए थे रिजल्ट आपकी होगी, इसीलिए पढ़ाई करते रहें। अब देखिए अगला फैक्ट, हम जब सुबह में जगते हैं उस समय हमारे ब्रेन के पास इतनी एनर्जी रहती है कि हम क्या 10 वाट का बल्ब जल सकता है जी, उतना एनर्जी हमारे ब्रेन के पास रहता है सुबह जगने के पास कि 10 वाट का एक छोटा सा बल्ब जल जाएगा। जैसे इसीलिए बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, सुबह रात में जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए, और सुबह जल्दी जग के हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रेन के पास एक्सेस एनर्जी रहती है। जो अगर आप दिन में पढ़ते हो 3 घंटा तो सुबह आप 1 घंटा पढ़ोगे उतना मेकअप हो जाएगा, इतना मतलब ब्रेन मेरा एक्टिव रहता है, एनर्जी फुल रहता है। अगला पॉइंट, ब्रेन को हम लोग फैटेस्ट ऑर्गन कहते हैं, और ये कभी कभी पूछ लेता है कि इसे हम बस ये अंग कहते हैं क्यों कहते हैं, देखिए क्यों, आपको पता है हमारे शरीर में एनर्जी किससे मिलती है, हमारे शरीर में एनर्जी किससे मिलेगी, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन में हम क्या खाते हैं, या तो हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या हम प्रोटीन खाएंगे, या हम वसा खाएंगे, और आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी वसा से आती है, किससे आती है, वसा से मिलती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत किसको पड़ेगी, ब्रेन को, क्यों, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल कौन कर रहा, ब्रेन कर रहा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी किसको मिलेगी, ब्रेन को ही मिलेगी, मस्तिष्क को ही चाहिए सबसे ज़्यादा एनर्जी भी, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फैटेस्ट ऑर्गन करते हैं, यहाँ तक कि 70% के आसपास इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो मुख्य रूप से आप अभी ब्रेन का ये देख लिए सब, क्या इसके जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से जो चीज़ था वो देख लिए, इसका जो फैक्ट था वो भी आप अनसुनी बातें भी देख लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, इस ब्रेन के पार्ट पढ़ेंगे कि ब्रेन को हम डिटेल्स, क्योंकि आपको पता है हमको ब्रेन पढ़ना है डिटेल्स में, तो हम डिटेल्स पढ़ेंगे, और आपको आगे ऐसा ऐसा चीज़ आप पढ़ेंगे ना तो सच बता रहे हैं आप बोलोगे हाँ कुछ पढ़े हैं। इसका हम अब पार्ट पढ़ेंगे, ब्रेन के भाग पढ़ेंगे, और उस भाग के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फिर इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से भाग हैं, हाइपोथैलेमस, कौन सा भाग से हम बोलते हैं, किसका कंट्रोल होता है, चलते फिरते हैं, शराबी का क्या हो जाता है, हर चीज़ पढ़ेंगे हम, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।